खुशी किस चीज से मिलती है, गुडलक चार्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, जैसे कि ये प्रिम रोजेज जो नई शुरुआत के प्रतीक कहे जाते हैं। संगीत भी जी को खुश कर देता है। हनोवर के इस बाजार में कॉफी बेचने वाले अमीन के मुताबिक उनका स्वादिष्ट माकियाटो भी यही करता है। बिल्कुल, अच्छी कॉफी अच्छी वाइन जैसी होती है, एकदम मजेदार। ये जानना मुश्किल नहीं कि रियेन और उसके भाई नोआ को किस बात से खुशी मिलती है। तो आपको खुशी कहाँ मिलती है? अपने दिल में। आपके भीतर की खुशी आपसे कभी नहीं छिनती, वो बरकरार रहती है। मैं अपनी छोटी सी फैमिली के साथ भी यही महसूस करती हूँ। खुशी आखिर क्या है, ये पूछा हमने कुछ नन्हे मुन्ने दार्शनिकों से। जब आप किसी चीज के लिए उत्सुक हों या मजे कर रहे हों। जब मैं अपने दोस्तों से कहीं मिलती हूँ या उनके घर जाती हूँ, लॉकडाउन के दौरान भी। जब आप मस्ती कर रहे हो, वही खुशी है। जब सब अच्छा हो और आप बढ़िया महसूस कर रहे हो। हार्टमन परिवार के घर में हाल में खुशी का बड़ा मौका आया। 11 हफ्ते पहले उनके बेटे पॉल का जन्म हुआ। फिर भी उन्हें खुशी की तलाश रहती है। जब मैं बच्चे के साथ घर होती हूँ, जब मैं केक खाती हूँ, जब मैं अपना पसंदीदा टीवी कार्यक्रम देख पाती हूँ, ये चीजें मुझे खुशियाँ देती हैं। और जब मैं नहा पाती हूँ। फिर हम पहुँचे दुकानदार चेंगेज एल्डीज के पास। वो आज माला और माटीडा को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। 11 साल की ये जुड़वा बहने अभी से खुशियों की विशेषज्ञ है। वीडियो कॉल पर दोस्तों से बात करना, ये भी आपको खुश कर सकता है। तोहफे के लिए शुक्रिया। खुशियों पर हमारे लिए एक और सीख। पिछले साल मेरे फेफड़े में गंभीर संक्रमण हो गया था। ये 4 महीने रहा। मुझे बहुत कुछ सोचने का मौका मिला और अब मैं स्वस्थ रहने की अहमियत जानता हूँ। बीमार आदमी केवल स्वस्थ होने की सोचता है। स्वस्थ आदमी को हर चीज चाहिए, लेकिन बीमार आदमी तो बस स्वस्थ होना चाहता है। यानी अच्छी सेहत खुशियाँ बढ़ाती है। शायद अपने आसपास के इलाके में टहलकर भी आप ऐसा कर सकते हैं। फिर चाहे बाहर 2 डिग्री तापमान हो, बारिश हो और तेज हवाएं हों। खुशी कैसे पाएं? शांति और सुकून से जीते रहिए, नियमों का पालन कीजिए और आप खुश रहेंगे। शायद ये इतना ही आसान है। खुशी हर तरफ है, बस उसे खोजने की जरूरत है।